जय श्री कृष्णा। आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है और मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता, विभाग अध्यक्ष, स्नातकोत्तर सरलतम विभाग, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण आयुर्विद्यालय जोधपुर। मैं आपको कुछ योगा के टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज कोरोना वायरस को लेकर भय और चिंता का माहौल है, इसके लिए मैं कुछ आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले कुछ योगा प्राणायाम बताऊंगा। वैसे आप सभी लोग कुछ योगा प्राणायाम तो जानते हैं जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाते हैं, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्री का प्राणायाम और कपालभाति और ओंकार प्रणव का नाद। मैं इसके अलावा कुछ योगा है वो मैं बताऊंगा। इसमें क्या करते हैं, हम आलती पालती मार के या सुखासन या पद्मासन में बैठ जाते हैं, जीभ को पूरी बाहर निकालते हैं, स्ट्रेस करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली। उसके बाद मुंह से इनहेल और एक्सहेल जोर से सांस लेना, जोर से छोड़ते हैं, और ये ऐसा 21 बार करते हैं। एक प्रोसेस तो ये होगा, तो सबसे पहले मैं ये प्रोसेस दिखाऊंगा आपको। आप इसको सावधानी से देखें, जीभ को मैंने बाहर निकाला, ये ऐसा 21 बार करते हैं। दूसरे प्रोसेस में हम जीभ को पीछे टंग के ऊपर लगाते हैं, मोड़ लेते हैं टंग को मोड़ लेते हैं तालु के ऊपर, ये हाथ का टच नहीं करते। और ये मोड़ने के बाद में हम फिर वो 21 बार इनहेल एक्सहेल करते हैं, इस तरह से हम करते हैं। और ये प्राणायाम योगा उन व्यक्तियों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है जो जिनको कोरोना वायरस का संक्रमण होने का डर रहता है, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, इंटर्नीज, जो भी इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये 21 बार करते हैं। इसके बाद एक और मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें हम सांस, गहरा सांस लेते हैं और उसके बाद उसको रोकने की कोशिश करते हैं। अगर हमने 31 मिनट तक उसको रोका तो इसका मतलब हमारा लंग्स ठीक है, और 1 मिनट से कम भी अगर 30 सेकंड तक रोक लेते हैं तो ठीक है। और ये जो मैंने पहले आपको कुछ योगा बताया, इसको हम रोज करते हैं, लगता है कि धीरे धीरे हम 5 दिन की और 6ठे दिन नहीं कर पा रहे, तो इसको हमको चेकअप करना चाहिए कि कोई हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम की समस्या है। और जो मैं बताने वाला हूँ, सांस लिए गहरा, इसको हम रोकते हैं। अगर 30 सेकंड तक हमने रोक लिया, इसका मतलब हमारे लंग्स, रेस्पिरेटरी, ये सब फिट हैं। इसके बाद एक और बताने जा रहा हूं मैं आपको, हम ऐसे डायफ्राम मसल्स को ऊपर खींचेंगे और इंस्पायर एक्सपायर करेंगे, गले से थोड़ी सी आवाज आएगी, ये कुछ मैंने आपको जनरल बताया। और दूसरा एक मैं आपको बताऊंगा, मैं गर्म पानी हम पिए, गुनगुना पानी, दूसरा गर्म पानी में नमक हल्दी डाल के और हल्की सी सुबरा भसम फिटकरी का की भसम डाल के गरारे करें, दूध में हल्दी डाल के लें, और सनसनी वटी जो गिलोय घनवट्टी है वो 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम भूखे पेट ले सकते हैं, और सेप्टेरिन टैबलेट 2-2 गोली सुबह शाम,
और आप इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए सुबह सुबह आप नीम के पत्ते 8-10 पत्ते जो अंकुर है वो चबा सकते हैं कॉपर उसकी, और इस तरह से आपको ये करना है। और बाकी कोई डरने की जरूरत नहीं है, और इस तरह से आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी है। बुलेटी गिलोय इनका सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, और खाने में आपको लिविंग डाइट लेनी है, डेड डाइट नहीं। लिविंग डाइट का मतलब है ये है कि जैसे आप कच्ची सब्जियां खाएं, फल फ्रूट्स का रस लें, जैसे आप नारियल पानी ले सकते हैं, टमाटर का जूस ले सकते हैं, और आप पपीते का जूस ले सकते हैं। कच्ची सब्जियां खाएं ज़्यादा से ज़्यादा, 600-700 ग्राम कच्ची सब्जी खाएं, फलों का रस लें। डेड डाइट में जिनको हम पका के खाते हैं उसमें सारे एंजाइम नष्ट हो जाते हैं, और उस ऐसे खाने को पचाने के लिए हमें सबसे पहले हमारी ऊर्जा चाहिए, उसके बाद उससे ऊर्जा मिलती है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइव फूड में मैंने आपको बताया जो कच्चे फल कच्ची सब्जियाँ वो हमें लेनी चाहिए, और फ्रेश एयर हमें लेनी चाहिए। सनलाइट थोड़ा आप सनलाइट में बैठे 15-20 मिनट सुबह के समय पर, क्योंकि जो सनलाइट में जो हमारी जो सनलाइट है वो सब चीज़ों को विसंक्रमित करती है, सारे बैक्टीरिया वायरस माइक्रो सब नष्ट हो जाते हैं, विसंक्रमण काम करती है। तो आप सनलाइट में थोड़ी देर बैठे हैं 15-20 मिनट सुबह की जो सनलाइट। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।